ये माशाल्लाह जी देखें जी शाह जी आ गए जी, क्या बात है। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या सलाम जी। वालेकुम सलाम शाह जी, जितने कस्टमर देखने नु ना सलाम। सब तो पहले इंशाल्लाह ताला दुरूद पाक तो आगाज करसा जी, क्योंकि मेरी जितनी वीडियो नु उसने दुरूद न होवे ते मैं समझना मेरी वीडियो अधूरी होनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह, ए जड़ा मैं दुरूद पाक पढ़े है हुण अज आयतुल कुर्सी भी पढ़ छोड़ा, क्योंकि तुसने बड़े लोग वेख ले, मैं कई दफा आयतुल कुर्सी पढ़ना। आयतुल कुर्सी दियां बड़ियां फजीलतां ने बेशक। माशाल्लाह, ए जड़ा अफजल खान साहब जी, तुसने जड़ा चैनल है इस वेखने ना मकसद ये वे कोई अच्छी चीज़ भी होनी चाहिए। बेशक, अगर कारोबारी लिहाज नाल भी पढ़ाईए तो कुछ कुछ चीज़ें जी होनी चाहिए जिन्ना बंदा वेखे पढ़े और उन वास्ते साले सवाब भी हो, बिल्कुल मुस्बत असर पवे जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल खय्युर कय्यूम ला ताखुज़ुहु सनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावात मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुस समावात व लाद व ला यहूदु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ए मैं पढ़िया दुरूश पाक पढ़े, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़िए ते एक बारी अलहमद शरीफ भी पढ़ो, जड़े मैंने वीडियो वेखो त्रा दफा कुल शरीफ पढ़ के मैं ना मिलत करना पूरी दुनिया ने जितने मोमन मुसलमान हो इस दुनिया फानी चले गए उन वास्ते साले सवाब वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस से कलम आमीन और उन्होंने पुलसरात शरीर तमाम मंजिला सान फरमावे आमीन आमीन। और असी जड़े जिंदा हुआ असा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुताबिक जिंदगी बसर करनी तौफीक अता फरमाए आमीन। और असा ने माल जान नी हिफाजत खुदा ताला फरमाए आमीन आमीन। तो सा पता है अफजल खान साहब, एक दिन ऐसा असी जिस टाइम कोई चीज माल दौलत हर चीज ने काम आसी, लेकिन ये दवाइयां और अल्लाह ने कलाम हर तरह ये क़यामत तक काम आने चीजें। नेक काम कोई भी कर सो, कोई वीडियो बढ़ा सो, कोई भी काम कर सो, उस विच अगर अल्लाह ताला नी कलाम होइए यार अल्लाह ताला नु याद किया होया बरकत उसी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद किया होया जी, ते फिर ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद जड़ा पंच तन पाक ना घराना एक ऐसा घराना है बिल्कुल के जिस जिस टाइम भी तुसी इन्हां नाल वफादारी या औलिया अल्लाह नाल वफादारी कर सो तो इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों और आखिरत, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूँ। बिल्कुल, तो ये भी तो सा पता है के माई फातमा जनते खतून जड़ी वो असनिया जितनिया असनिया माए बहने उन्होंने सरदार और जनता ने सरदार है जनतन सरदार है और माँ मासूम तो माँ हुसैन ये जड़ा है नौजवान ने सरदार। माशाल्लाह, आने ना मकसद ये है कि जिस टाइम भी कोई वीडियो हो पूरी दुनिया पता होना चाहिए कि यार अगर इन्हें इस घराने जिन्हें पंजन वफाक पंजन पाक न वफा की वह घराने दुनिया से हर तरह वो सुरखरू हो गए सुरखरू हो गए और अल्लाह ताला उन्हें गैब तो रोजिया ता फरमाई। बेशक बेशक, साडा भी घराना इस तरह माशाल्लाह, ये भी पंजन पाक नहीं नस्बत न ले चल रहे सारा कुछ उन्हें वफा न हो रहा। अगर ये वफा ना होनी बिल्कुल तो यकीन करो कोई ना कोई कोई चीज भी ऐसा नहीं, ये गैब तो कमी नहीं है, कमी नहीं कोई कोई हर चीज गैब तो आ रही सी उन्हें पंज तन पाक ने घराने। बिल्कुल बिल्कुल, वो आखने ना कुआल उन्होंने कर इतराम सईदा का उच्चा मकाम सईदा ना बेशक मकाम उन्होंने बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है जिन्हें मामा सुन मामा हुसैन वफा की बिल्कुल अस्सी अस्सी साल ने खुदा तला औलादा भी दे छोड़िया बिल्कुल मराब न सुन सुने सुन ना बिल्कुल बिल्कुल ये वो वाकई इस तरह है कि जिन्हें लोग इन्हों चले नो अल्लाह तला इन्हें नस्बत न क्यामत तक याद रख रखे इंशाल्लाह ताला और इन्होंने झोलिया पार दी बेशक। ते फिर इसी तरह बहुत सारे वाकियात इस तरह नू बिल्कुल के बहुत बड़ी कुर्बानियां दीतियां ने सर जी, ये तो तुसी तक नो के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खुसूसी के मेहरबानी के ओ अर्श मौला तक गए बेशक और इस तो पहले अल्लाह ताला किसी पैगंबर नहीं बुलाया बेशक ये असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिब्राइल अलैहि सलाम यानी ओ जिब्राइल अलैहि सलाम इस सिदरत अल मुंतहा तो नहीं मिल सके बेशक ये असल नबी पाक का सादत हासिल है बेशक ते खुदा रा उम्मत आस्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़िया कुर्बानियां दीतियां और हर टाइम दुआइयां ही मंगने रहन के अल्लाह मेरी उम्मत अल्लाह ताला बख्श हो बेशक ते मेरी रिक्वेस्ट है के तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ भी पढ़ा कीता करो और उन्हें जड़िया उन्हें जिंदगी नहीं है एक वफादारियां या उम्मत नाल बिल्कुल उन्हें
लेकिन ये जो शाह जी माशाल्लाह बात कर रहे हैं ये छोटी बातें नहीं, आप छोटी बातें समझ रहे होंगे, जो दुरूद शरीफ की बात करते हैं या अलहमद शरीफ की बात करते हैं या तुल कुर्सी की बात करते हैं, आपको ये कम नहीं है भाई। ये जब आपको कल वफात पाएंगे ना, मरने के बाद पता चलेगा जब आंखें बंद होंगी कि इनकी कितनी वैल्यू थी, एक एक जो दुरूद आपने पढ़ा उसकी कितनी वैल्यू थी जी, उसका आप सबको पता है कि एक दुरूद पढ़ने के कितने फजाइल हैं, कितने फजाइल हैं और कितना सवाब मिलता है। बिल्कुल, और मुर्दे कहेंगे कि काश हम दोबारा जिंदा हो जाएं, हमें दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम ये पढ़ सकें, लेकिन फिर टाइम गुजर चुका होगा सर जी। एक टाइम मुख्तसर जिंदगी है, बकाया है दुनिया ना, जड़ा निजाम है ना, आपको शाह जी के डेरे पर अगर आए हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, माल तो अल्लाह ताला देता है, रिज़क अल्लाह देता है, रिज़क अल्लाह देता है और उसने मेहरबानियां की हैं। दुरूद तो मैं वैसे भी पढ़ता रहता हूँ, देखें दुरूद पढ़ने से हमारे अपने जो है वो बढ़ते हैं, माल बढ़ते हैं, अगर हम ना पढ़े तो उनकी शान में कोई कमी नहीं होती जी। तो बाकी इस तरह मेरी रिक्वेस्ट है जी कि ये मेरा दरबार है माशाल्लाह। शाह जी ये बताएं कि मेला कब आया सजेगा यहाँ पे? जी मेला इंशाल्लाह पांचवें महीने को नहीं, 20-21 तारीख को इंशाल्लाह ताला लंगर होगा। पांचवें महीने की 19, 20 और 21 को यहाँ पे लंगर भी होगा, लंगर होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो अल्लाह पाक के हुक्म से यहाँ लंगर का वाफर मकदार निजाम करते हैं। सही माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत रात को क्वालियां भी होती है, दो दिन का मेला होता है। अच्छा माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो भी काम है हो रहा है या लंगर, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हमारे ऊपर उनकी नस्बत से ही हो रहा है, नस्बत से हो रहा है। और पांच तन का जो असल लंगर है वो माई फातिमा जन्नत खतून का। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवाब है भाई। तो ये आगे तो आप पहले वीडियो मैंने तफसीली बात आपके दरबार के लिए कर दी है जी जी। तो इंशाल्लाह ताला मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी पांच वक्त की नमाजें पढ़ें, अल्लाह और रसूल को याद करें, अपने मालों की खिदमत करें, अल्लाह ताला हर तरह की आपको रोजी भी अता फरमाएगा और आपके बाल बच्चों का भी हिफाजत फरमाएगा। बेशक बेशक जी, अल्लाह पाक तो 70 मामा वर्ग है, जो अल्लाह की बात है वो नबी की बात है, नबियों को इसी वजह से महफूज फरमाया कि जो अपना पैगाम पहुंचाना था नबियों के जरिए। तो इंशाल्लाह मैं खुद भी इंशाल्लाह आऊंगा, इंशाल्लाह पांचों महीने में जो तरीके बता रहे हैं इंशाल्लाह खुद भी हाजिरी लगाएंगे। आप इनको इंशाल्लाह ताला अंदर अभी माल के भी इंशाल्लाह माल के भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, काफी बातचीत होगी। लेकिन ये देखें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन माशाल्लाह ये जो बातें ये जाया नहीं जाएंगी, अगर आपने इन पर अमल किया तो इंशाल्लाह ताला आप दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होंगे जी। तो इंशाल्लाह अंदर डेरे की तरफ जाते हैं, ये दो माशाल्लाह क्यूटीज भी देख रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह छोटे छोटे। अरे ठंड लगी भी यार, बेचारे ये दो नई नई एंट्री है माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह। महीने महीने के कितने के हैं ये? 15-15 दिन के हैं। ओ महीने ना थे निका, ये उससे छोटा नहीं वो बड़ा। अच्छा माशाल्लाह, ये देखो क्या बात है, आराम से आराम से, बड़े प्यार से, आराम से आराम से। यार ये क्या कर रहे हैं यार, वो देखो पागल कर दिया उस बच्चे को यार, माशाल्लाह यार। ओए तो बच्चा तो आगे निकल गया से यार, बच्चा तो आगे निकल गया है, ओए ओए बच्चा तो रेस जीत गया, नंबर ले गया।